क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुना था, ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है वो। कुछ मुसलमान नहीं, हर मुसलमान से पूछोगे ना जो अल्लाह को मानता है तो वो बोलेगा ये बात रॉन्ग है, सिर्फ अल्लाह है। जो सर हमारा झुकेगा सिर्फ उसके आगे झुकेगा। हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है हम उसकी उपासना करते हैं। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। मुसलमान जो है अपने धर्म का पालन करेगा, वो जो मुल्क का जो एहतराम है वो अपने हिसाब से करेगा, किसी के कहने के ऊपर, किसी के बताने के ऊपर, किसी के चिल्लाने के ऊपर वो नहीं करेगा। नावल में ये जो गाना है आनंद मत, या राइट, वो मुसलमानों के खिलाफ है। एंड बीइंग अ मुस्लिम आई हेट दैट नावल। वंदे मातरम नहीं कह सकते ना। मुसलमान देशभक्त है, हमेशा देशभक्त रहेंगे और उसके लिए सर्टिफिकेट किसी भी नेताओं की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जय हिंद बोलेंगे, जय भारत बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलते सारे जहाँ से। अच्छा वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा, हम जहाँ रहते हैं उसकी हमारे को इज्जत करना चाहिए, वो वतन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट है ना? बिल्कुल। लेकिन वंदे मातरम बोलना सद गुना है हमारे मजहब में। क्या चाहते थे इस देश में? तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो जुबान काट के फेंक दी जाएगी। अगर वंदे मातरम पर खड़ा नहीं होगे तो टांगे काट देंगे। ये भूमि छत्रपति शिवराज महाराज की भूमि है, किसी विधर्मी मोहम्मद जोरी की भूमि नहीं है जो धोखा देता है। यह हमारी रगों के अंदर संभाजी का खून है, मंबाजी का खून नहीं है। हमारी रगों के अंदर जीजा माँ के संस्कार बसे हैं, सोनिया गांधी की इटली नहीं बसी। और अगर चाहते हो कि इस देश में शांति से रह सको तो रह लो, वरना इस देश में शिवाजी जागने में देर नहीं लगती है। और शिवाजी अगर जाग जाते हैं ना तो अफजल से पूछना, 7 फीट का था।